नाम तुम्हारा? रामकृष्ण अहरवाल। क्या बनाया था अपन ने इंस्पायर अवार्ड में? स्मार्ट सोलर छाता बनाया था। अच्छा, तो अब कहाँ पे सिलेक्ट हुए हो, किस स्तर पे सिलेक्ट हुए हो, कहाँ जाना है? राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्ट हुए, जापान जाना है। अच्छा, अभी कहाँ हुई थी राष्ट्रीय स्पर्धा? दिल्ली में हुई थी। अब कहाँ जाना है? जापान जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी सर। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो बेटा? 10th क्लास। पापा क्या करते हैं? किसान है। जी सर। सर, इस बच्चे के बारे में बताएं कि एक बच्चे का कहाँ किस योजना में सिलेक्शन हुआ है और कहाँ जा रहा है? ये छात्र शासकीय हाई स्कूल आदर्श कुरवाई का विद्यार्थी है, और इस बार कक्षा 10 का विद्यार्थी था ये। हमारे यहाँ योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना, उस योजना के अंतर्गत इस बच्चे ने साल जो इंस्पायर अवार्ड हुई थी उसमें प्रतिभागिता की थी, और इसने एक सोलर छाता, स्मार्ट छाता बनाया था जी। और इसका चयन जो है यहाँ से राजकीय प्रतियोगिता के लिए हुआ, वहाँ से फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी ये चयनित हुआ है, और उसके जो मॉडल को काफ़ी सराहा गया है जी। और अब ये जापान के लिए जाएगा बच्चा, वहाँ पर अपने इस आविष्कार का, या ये कहें जो इसने इनोवेशन किया है जी, का ये प्रदर्शन करेगा। सर, इसमें क्या विशेषता थी, कुछ आपने देखा हो तो? छाता कई मायनों में स्मार्ट था, न केवल बरसात और धूप से बचा रहा था, बल्कि उसमें सर्च लाइट भी थी कि अंधेरे में कुछ जाता है तो रोशनी दिखाने का काम भी करेगा। इसके अलावा उसमें सायरन सिस्टम भी था, यदि कोई लड़की है और वो जा रही है तो उसको भी खतरे से बचाएगा, यदि कोई अनहोनी या खतरा से नजर आता है तो सायरन बजा सकती थी। इसके अलावा उसमें संगीत सुनने की भी सुविधा थी, म्यूजिक सिस्टम भी उसमें लगा हुआ था, और इसके अलावा उसमें अंदर LED लाइट भी लगी हुई थी कि यदि कोई चाहे तो छाता की मदद से अपनी कोई पुस्तक वगैरह भी पढ़ सकता है, ये उसमें सुविधाएँ थी। थैंक यू।